हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइंस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। गाइस ए टेप देख के आपको क्या लग रहा है, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, जो कि हमारे यूनिट कन्वर्जन के बारे में है, जो कि आप वो कन्वर्जन इसी तरह से और प्रैक्टिकली सीख पाओगे कि इंचेस का कन्वर्जन फीट में कैसे रहता है, फीट का मीटर में, और मीटर का ब्रास में, और ब्रास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एज ए साइड इंजीनियर। आपको ये चीज़ें डे बाय डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल और नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक एक बार ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट रहती है जॉब के रिगार्डिंग, हमारे ई बुक्स के रिगार्डिंग और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट मिलेगी वहाँ पे, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो गाइस। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो स्क्वायर फीट होता है, नहीं फीट होता है, और मीटर में कन्वर्जन देखा आपने, 10 मीटर का हमने फीट में कन्वर्जन किया और 10 फीट का हमने मीटर में कन्वर्जन किया है। इसके पहले वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस, इसमें आप जो भी हमारा टेप है उसके टेप के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइस, हाउ मेनी इंचेस टू हाउ मेनी फीट एंड सेंटीमीटर एंड एमएम के बारे में। वो वीडियोस नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए गाइस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस वो वाले वीडियोस। फ्रॉम बेसिक लेवल मैंने स्टार्ट किया है गाइस आपके लिए, फ्रॉम बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज तो आपका साइट इंजीनियर का बेसिक होता है गाइस। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को गाइज। तो गाइज इसमें आप देख सकते हो, क्योंकि हमने पहले इस पे ऊपर वीडियो बनाया है जो कि मीटर टू फीट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट, उसके बाद फीट टू मीटर है जो कि 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, 1 फीट इक्वल टू हाउ मैनी एम एम, 1 इंचेस इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, ओके 1 सूत इक्वल टू हाउ मैनी एम एम, ओके वो जो सूत बोला जाता है साइड पे, यहाँ पे लिखा है उन्होंने 1 सूत्र, 1 सूत्र इक्वल टू 3 mm होता है गाइज हमारा, ओके तो गाइज ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है जिसके एरिया का कन्वर्जन भी दिया है उसमें, बाकी बहुत सारे कन्वर्जन दिए सेंटीमीटर मीटर इंचेस में, और वो वॉल्यूम भी दिया है और वेट भी दिया है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइस ये जो कन्वर्टर है इसमें एरिया कन्वर्जन भी दिया है, अभी आपने लास्ट के वीडियो में देखा था, जो कि मीटर क्यूब इक्वल टू, यानी कि मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट मैंने निकाल के दिया था गाइस, ओके 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हो 10.76, यहाँ पर है गाइस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। यहाँ पर एक और एक बात है, स्क्वायर इंचेस में भी निकल पे दिया है आपने, अगर एक्सेल से चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और नीचे व्हाट्सएप की लिंक भी दिए, वो भी आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर लो गाइस, नीचे मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, और आने वाली वीडियोस भी इम्पोर्टेंट होने वाले गाइज आपके लिए। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि हमारा स्क्वायर फीट यानी कि स्क्वायर फीट टू मीटर स्क्वायर के बारे में, और मीटर क्यूब टू हमारा क्यूबिक फीट के बारे में, जो भी कन्वर्जन है उसके बारे में। तो बेसिक के गाइस जो कि थंब रूल से साइट के लिए, एज ए साइट इंजीनियर आपको ये रूल्स तो आने ही चाहिए गाइस, थंब रूल्स, ओके इसके लिए हम देखेंगे कि जो कि हमारा बेसिक होता है। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस, हमारा ग्रुप नीचे ग्रुप की लिंक भी दी है मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हो और ले सकते हो, आपको ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को। तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट, ओके और मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक फीट, ओके क्यूबिक फीट या फिर फीट क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर के बारे में।
मीटर क्यूब के बारे में, ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 1 मीटर स्क्वायर होता है और 10.76 स्क्वायर फीट, ओके, और 1 क्यूबिक फीट होता है हमारा 35.28 क्यूबिक फीट, फीट क्यूब भी लिख सकते हो आप यहाँ से। तो ये चीज़ें आपको तो रट के लेनी है गाइस, यानी कि आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। कैसे निकाले ये तो आप वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस। तो गाइस 1 मीटर क्यूब = 10.76 कैसे आया है आपको चाहिए, तो आपका 1 मीटर होता है जो कि 3.28 फीट होता है, ओके, यानी कि 1 मीटर क्यूब रहा, 1 मीटर स्क्वायर रहा हमारा 3.28 का स्क्वायर, ओके, जो कि आता है हमारा 3.28 × 3.28 × 10.75, ओके 10.76 के आसपास फीट स्क्वायर में, स्क्वायर फीट में, और हमारा मीटर क्यूब आता है गाइस इनटू इसको 3.28 किया तो वो आ जाएगा हमारा 30.28, ओके, जो कि हमारा फीट क्यूब में आया है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 30.28 फीट क्यूब 1 मीटर क्यूब = तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गाइस, 1 एकड़, 1 हेक्टर, ओके, और 1 गुंटा GUNTA, उसके बारे में देखेंगे गाइस डिटेल में, जो कि इससे रिलेटेड है इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, एंडिंग तक देखना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना। इसका कन्वर्जन है एक बेसिक चीज़ है, ये यूनिट कन्वर्जन तो आपको आना ही चाहिए, ओके, ये यूनिट्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए गाइस। तो गाइस ये थंब रूल्स आपको आने ही चाहिए एज ए साइट इंजीनियर, ओके, तो ध्यान में रखना गाइस ये थंब रूल्स और ये यूनिट कन्वर्जन एज ए बेसिक इंजीनियर बेसिक। तो गाइस आज के लिए इतना ही, एज अ साइट इंजीनियर आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपको मीटर का फीट में कन्वर्जन तो आना ही चाहिए, वो तो बेसिक है गाइस, 1 मीटर यानी कि हाउ मेनी सेंटीमीटर हाउ मेनी फीट। इसके आगे वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे स्क्वायर फीट और मीटर क्यूब के बारे में, ओके, और ब्रास हाउ मेनी ब्रास = हाउ मेनी मीटर क्यूब, एक ब्रास अपना कितना होता है। एज अ साइट इंजीनियर आप जब साइट पे जाओगे तो आपको ये चीज़ें बाय रोट होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें आपको मगअप नहीं करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आती है गाइस एज अ प्रैक्टिस, ओके। तो गाइस इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो गाइस आप ये बुक से देख सकते हो जो कि टाउन प्लानिंग का बहुत ही बढ़िया बुक है, रिटन बाय रंगवाला, ओके, बहुत ही अच्छे बुक है गाइस, जिसमें हर एक टॉपिक उन्होंने कवर किया है, आप देख सकते हो बहुत ही बिल्डिंग बायोलॉजी उसमें, ओके, जो भी एज अ फ्रेशर एज अ सिविल इंजीनियर आपको यूज़फुल रहने वाला है ये बुक्स, बिल्डिंग बायोलॉजी, पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में जो भी टर्म्स होती है, स्लम्स और प्लेग्राउंड्स के बारे में, हाउसिंग के बारे में बहुत कुछ आपने को आपको यहाँ पर मिलेगा इस बुक में। अगर एक बुक आप चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गाइस, अगर वहाँ से आप परचेस किए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर, ओके, जो भी बुक हमारे लिंक से आप परचेस करोगे उसके ऊपर डिस्काउंट रहेगा गाइस आपको, अगर आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो ये बुक। तो गाइस आप एक सिविल इंजीनियर हो, एक डिप्लोमा इंजीनियर हो, एज अ जॉब करते हो साइट इंजीनियर या फिर डिज़ाइन इंजीनियर या फिर एज अ सीनियर साइट इंजीनियर, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस, जो कि डिज़ाइन के बारे में आपने आर्किटेक्चर और RCC ड्राइंग्स के बारे में उसमें उसके साथ में जो भी आपको थंब रूल्स बताता हूँ गाइस वो आपको साइट पर ज़रूरी काम आएंगे गाइस, यूज़फुल रहेंगे गाइस आपके डेली लाइफ में।
तो गाइस इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो और एक बात गाइस, गाइस मैं फ्रीलांसर वर्क भी करता हूँ गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है। अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए, आरसीसी के बारे में डिज़ाइन चाहिए, आरसीसी डिज़ाइन चाहिए, ड्राइंग चाहिए, किसी घर का प्लानिंग चाहिए, 2D 3D प्लानिंग चाहिए, एस्टिमेट चाहिए किसका, या फिर आपको टेंडर या फिर लाइसेंस निकालना है PWD का एज अ कॉन्ट्रेक्टर, कैसे वर्क करते हैं आपको जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉल्स कर सकते हो गाइस, जो कि मैं आपको बहुत ही कम रेट में आपको वो दूंगा आपको। ओके, तो गाइस ऐसे चैनल को सपोर्ट करना गाइस, और आने वाले टाइम में बहुत ही चैनल ग्रो होने वाला है गाइस, आप वो इमेजिन नहीं कर सकते। आपका सपोर्ट ही आप मेरे लिए अच्छा है गाइस। थैंक यू।